इस बार भी सहायक आरक्षकों के साथ गेम खेल दिया गया है। जब एक आरक्षक का वेतन 1900 ग्रेड पे में है तो आपने डीएसएफ के आरक्षकों का 1800 ग्रेड पे में क्यों किया है? मुख्यमंत्री महोदय स्पष्ट बोल दिए थे कि सहायक आरक्षकों को डीएसएफ बनाया जाएगा, तो सभी को बनाना था। कल जो नक्सली सरेंडर करके आ रहे हैं, आप उनको सिपाही बना दे रहे हैं, डायरेक्ट आरक्षक बना दे रहे हैं। जो पहले से नौकरी कर रहा है वो वहीं रह जा रहा है, वो प्रमोशन लेके आगे बढ़ जा रहे हैं। क्योंकि नक्सलवाद खत्म करने के लिए लाखों करोड़ों रुपए फंड आता है और उस फंड का किस कदर बंदर बांट और दुरुपयोग होता है, इसकी तो सही तरीके से जांच होनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि चाहते ही नहीं कि नक्सलवाद खत्म हो इस राज्य से, क्योंकि जो इतनी मोटी रकम आ रही है वो कैसे गबन किया जाएगा फिर। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। सहायक आरक्षक से जो डीएसएफ में कन्वर्ट किया गया है, पहले तो मैं उन सारे सहायक आरक्षकों को बधाई देना चाहूंगा जिनको डीएसएफ में कन्वर्ट किया गया है, लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा आपको कि इस बार भी सहायक आरक्षकों के साथ गेम खेल दिया गया है। गेम कैसे खेल दिया गया मैं आपको बताना चाहूंगा। जब मुख्यमंत्री महोदय ने घोषणा की थी कि समस्त सहायक आरक्षकों को डीएसएफ बनाया जाएगा, आरक्षक के बराबर वेतन दिया जाएगा, आरक्षक बनाया जाएगा, ऐसा उनका वो था। चलिए आपने उनको डीएसएफ बनाया, सशस्त्र बल बनाया, वहां तक तो ठीक था। जब एक आरक्षक का वेतन 1900 ग्रेड पे में है तो आपने डीएसएफ के आरक्षकों का 1800 ग्रेड पे में क्यों किया है? दूसरी बात, समस्त लोगों को बनाना था तो ये आप 9 साल वाला क्राइटेरिया क्यों लेके आ गए हैं? जब वो पद ही समाप्त करना था तो आपने कुछ लोगों को बचा क्यों दिया? सारे लोगों को लेना चाहिए था, ये भेदभाव क्यों? और ये नियम बनाया कौन, ये मैं जानना चाहता हूँ। जब मुख्यमंत्री महोदय स्पष्ट बोल दिए थे कि सहायक आरक्षकों को डीएसएफ बनाया जाएगा तो सभी को बनाना था, भेदभावपूर्ण वैसे ही हुआ था, पहले भी ऐसे ही हुआ, साप्ताहिक अवकाश दिया जाएगा वो भी भेदभावपूर्ण किया गया, उसमें फिर आपने बताया कि थानों में पदस्थ लोगों को रिस्पांस भत्ता दिया जाएगा, बाकी जगह पदस्थ उनको नहीं दिया जाएगा। सर ये नियम बनाते कौन है? इससे तो समझ में आता है कि पुलिस विभाग के अधिकारी खुद ही नहीं चाहते कि जो नीचे लेवल का कर्मचारी है उसको बराबर वेतन मिले, उसके साथ उसका अच्छा जीवन यापन हो। मैं आपको बताना चाहूँगा, ये 15-17 साल नौकरी करने के बाद, 12 साल 10 साल नौकरी करने के बाद इनको सहायक आरक्षक से डीएसएफ बनाया गया है। अब आप ये बताइए कि कल जो नक्सली सरेंडर करके आ रहे हैं, आप उनको सिपाही बना दे रहे हैं, डायरेक्ट आरक्षक बना दे रहे हैं, जो कई हमारे जवानों की हत्याओं में शामिल हैं और कई कई घटनाओं में शामिल हैं, कई नेताओं मंत्रियों की हत्या में भी शामिल रहे हैं, वो कई ग्रामीणों की हत्या में शामिल रहे हैं, उनको आप पुनर्वास नीति के तहत लाते हैं और एक सिपाही बना देते हैं। आप दूसरे विभाग में उनको नौकरी देना चाहिए था। अब जिनके परिवार के जवानों के घर वालों की हत्या हुई है, जो हमारे जवान शहीद हुए हैं, किसी का भाई गया होगा, किसी का बेटा गया होगा, किसी का पति गया होगा, ये सारे लोग ड्यूटी करते हैं वहाँ पे, और जो समर्पित होता है नक्सली वो सिपाही बनकर आता है और उन्हीं लोगों के साथ में ड्यूटी करता है, उनके ऊपर क्या बीतती होगी आप ये सोच के देखिए। और वो धीरे धीरे प्रमोशन ले जाता है, ये लोग यहीं के यहीं रह गए। जो पहले से नौकरी कर रहा है वो वहीं रह जा रहा है, वो प्रमोशन लेके आगे बढ़ जा रहे हैं। सोचने वाली बात है कि कहीं ना कहीं सिस्टम में बहुत ज्यादा कमियां और खराबियां हो चुकी है। मैं आपको वही बताना चाहूंगा, नक्सलवाद क्यों खत्म होगा सर, और कैसे खत्म होगा? जब यहाँ पर सिस्टम में बैठे हुए लोग, पावरफुल लोग चाहते ही नहीं, क्योंकि नक्सलवाद खत्म करने के लिए लाखों करोड़ों रुपए फंड आता है और उस फंड का किस कदर बंदर बांट और दुरुपयोग होता है, इसकी तो सही तरीके से जांच होनी चाहिए। अभी मैं आपको बताना चाहूँगा कि इतनी स्थिति दयनीय है, जो जवानों को मूलभूत सुविधाएं देनी चाहिए वो तो दी नहीं जाती, लेकिन जिनको नहीं देना चाहिए वो सब अय्याशी कर रहे हैं उन पैसों पे, ऐसे ऐसे फंड निकाल के ऐसी ऐसी चीज़ें कर दी जा रही है जिनका कोई हिसाब किताब नहीं होता है। और उसका हिसाब मांगने जाइए तो एक लाइन में बता देते हैं कि इसका हिसाब देने के लिए हम बाध्य नहीं है। तो सर ये कहाँ का सिस्टम है? मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर सही तरीके से सत्ता में बैठे लोग, सरकार में बैठे लोग और अधिकारी चाहें तो नक्सलवाद बहुत जल्द और बहुत आसानी से ख़त्म हो सकता है, लेकिन ये लोग मुझे ऐसा लगता है कि चाहते ही नहीं कि नक्सलवाद खत्म हो इस राज्य से, क्योंकि जो इतनी मोटी रकम आ रही है वो कैसे गबन किया जाएगा फिर, उसी के नाम से तो पैसा आ रहा है, लोग खा जा रहे हैं। अभी आपको बताना चाहूँगा, अभी कल ही की बात है और 50 ग्रामीणों को नक्सली उठाकर ले गए।
किसके लिए कौन जिम्मेदार है, कहाँ है हमारा सिस्टम, कहाँ है उसमें बैठे हुए लोग, कहाँ है जिम्मेदार अधिकारी। आज आपको मैं बताना चाहूंगा, अभी 15 अगस्त गया है, वहां पर अधिकारियों को राष्ट्रपति मेडल और बहुत प्रकार के मेडल दिए गए, बहुत अच्छी बात है, सभी बधाई के पात्र हैं। लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि जब हमारे 22 जवान शहीद हुए, हमारे 17 जवान शहीद हुए और अभी कुछ दिन पहले और 10 जवान दंतेवाड़ा में शहीद हुए, इन जवानों की शहादत के लिए कौन जिम्मेदार है? अगर हमारा जवान नक्सली मार कर लाता है और वहां पर उसकी वाहवाही लेने के लिए ऊपर बैठे एसपी, आईजी, डीजीपी सब ये बोलते हैं कि मेरे मार्गदर्शन में हुआ, अब मैं जानना चाहूंगा कि अगर मेरे जवान शहीद हुए तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? और इनका डिमोशन क्यों नहीं हुआ अगर जिम्मेदार अधिकारी ये थे? जब ये प्रमोशन ले सकते हैं, ये मेडल ले सकते हैं और ये वाहवाही ले सकते हैं, तो जिम्मेदारी क्यों नहीं ले रहे हैं बाकी चीजों के लिए, मेरे जवानों की शहादत के लिए, मेरे राज्य की संपत्ति के लिए क्यों नहीं ले पा रहे? देखिए, जिन सहायक आरक्षकों का भी प्रमोशन हुआ है उनका तनख्वाह लगभग 10,500 से 14,500 के, और नक्सल क्षेत्र में थे उनकी थोड़ी ज्यादा थी भत्ते वगैरह मिलाकर। लेकिन मैं अब आपको बताना चाहूंगा, इनको 1800 रुपए ग्रेड पे मिलाया गया है। एक सामान्य आरक्षक से ये 1500 से 2000 रुपए कम वेतन उठाएंगे एक महीने में। इनकी तनख्वाह लगभग अभी 19-21 हजार के आसपास होनी चाहिए। कई नक्सली ऐसे हैं जो अभी TI बन के बैठे हुए हैं, कोई सब इंस्पेक्टर है, बहुत सारे हैं जो ऊपर चले गए, लेकिन इनको तो 15-17 साल देखते देखते ही लग गए, 10 साल से ज़्यादा तो लगभग सभी को हो रहे हैं, 9-10 साल हो ही गए हैं। तो सिस्टम में गड़बड़ी कहाँ आ रही है? आप अपने ही जवानों को उनका अधिकार देने के लिए सोचने लगते हैं, लेकिन जो बाहर से आ रहा है, जिसकी जो आपके जवानों का हत्यारा है, जो राज्य का लुटेरा है, आप ऐसे लोगों को तुरंत प्रमोशन दे दे रहे हैं, आप उनको डायरेक्ट आरक्षक बना दे रहे हैं, उनको 1900 रुपए ग्रेड पे मिले जा रहे हैं और समय टू समय उनको प्रमोशन दिया जा रहा है, ये तो हमारे जवानों के साथ अन्याय है सर। मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि मैंने सूचना के अधिकार से जानकारी मांगी कि हमारे राज्य में जो नक्सली घटनाओं के लिए, जान माल के लिए नुकसान, जो हमारे जवानों की शहादत हुई और जो शासकीय संपत्ति को नुकसान हुआ, उसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर क्या कार्रवाई की गई। तो ये देखिए, ये सूचना के अधिकार का लेटर है सर, इसमें स्पष्ट लिखा है कि इस सूचना से आपको बताया जाता है कि अपेक्षित जानकारी जिला बीजापुर से निरंक है। मतलब किसी अधिकारी पे कोई कार्रवाई नहीं की गई। उसी जिला बीजापुर में 22 जवान शहीद हुए थे 2021 में, वहां पे किसी अधिकारी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई जब से जिला बना है उसके बाद से। लेकिन उसी जिला से अधिकारी प्रमोशन ले रहे हैं, उसी जिले से अधिकारी जो हैं वो गैलेंट्री मेडल ले रहे हैं, वही राष्ट्रपति पदक ले रहे हैं। उस जिले में जो हमारे जवान अच्छा काम करते हैं उसकी वाहवाही आप लेंगे, लेकिन मेरे जवानों के जीवन की गारंटी और जो राज्य शासन की संपत्ति है उसकी गारंटी कौन लेगा सर? मैं ये जानना चाहता हूँ। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो नक्सली पुनर्वास नीति है बहुत अच्छी नीति है, और मैं चाहता हूँ कि नक्सलवाद एकदम खत्म होना चाहिए, क्योंकि हमारे राज्य में तो, और मैं बोलता हूँ नक्सलवाद नहीं है, माओवाद है हमारे राज्य में, क्योंकि नक्सलवाद तो नक्सलवाड़ी से चालू हुआ था, बट अभी तो हमारे यहाँ माओवाद चल रहा है। दूसरी बात यह है कि जो भी लोग हैं उनको मूलधारा में लाना चाहिए, उनका अच्छे से उनको विस्थापित करना चाहिए, उनको एक अच्छा नया जीवन देना चाहिए, मैं इसके लिए बिल्कुल सहमत हूँ। लेकिन पुलिस विभाग में नहीं देना चाहिए, किसी अन्य विभाग में दीजिए, बहुत सारे विभाग हैं, उनके लिए रोजगार के अवसर प्रदान कराइए, मैं उसके लिए बिल्कुल सहमत हूँ और राज्य सरकार से भी सहमत हूँ। लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए। हमारे जो जवान शहीद हुए उनके परिजनों के ऊपर क्या बीतती है, जब वो मुझे फ़ोन करके बताते हैं तब मुझे पता चलता है कि वो कितने दर्द में हैं, कि उनके परिजनों के हत्यारे आज उनके पास आकर बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, खा रहे हैं और स्वतंत्र घूम रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तो उन्हें भी फील होता है ना सर, अब वो खुल के बोल नहीं पाते, लेकिन उनकी भावनाओं को तो हमको भी समझना पड़ेगा। आप अन्य विभागों में उन्हें विस्थापित करें और उन्हें अन्य विभागों के हिसाब से वेतन दें, बढ़िया उनका जीवन सेट करें। हम भी चाहते हैं कि वो भी मूलधारा में आए और देश और राज्य के विकास में हमारे सहायक बने। आज से 1.5 साल पहले दंतेवाड़ा जिला में पति पत्नी दोनों ने सरेंडर किया है और वो आज सिपाही बन गए हैं। ये लोग, नाम नहीं बताऊंगा मैं उनका, मेरे पास नाम भी है और इनके कुछ आंकड़े मैं आपको बताता हूँ। पिडमेल में मुठभेड़ हुआ था जिसमें 8 जवान शहीद हुए थे। इसके बाद सुकमा जिले के बुरकापाल में मुठभेड़ हुआ था जिसमें 25 जवान अपनी शहादत दिए थे। फिर उसके बाद बीजापुर के टेकलगुड़ा में हुआ मुठभेड़, इसमें मेरे 22 जवान शहीद हुए। और सुकमा जिले के मिनपा में 17 जवान शहीद हुए।
ये आंकड़े एकदम स्पष्ट आंकड़े हैं सर, उसमें ये जो नक्सली जो सरेंडर किए हैं पति पत्नी वो शामिल थे। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि इनको तो आपने सिपाही बना दिया लेकिन इनके परिजन जो इनके साथ ड्यूटी करेंगे उनके ऊपर क्या बीतेगी? सर हमारे जो जवान शहीद हुए हैं उनके परिजनों की बात कर रहा हूँ जो पुलिस विभाग में आज के डेट में ड्यूटी कर रहे हैं अनुकंपा नियुक्ति से और किसी किसी कारण से, तो हमारे शहीद जवानों के परिजन जो ड्यूटी कर रहे हैं पुलिस विभाग में उनकी बात कर रहा हूँ, वो कितने पीड़ित होते हैं इन लोगों को देखकर लेकिन अपनी व्यथा नहीं बता पाते हैं। अभी पीड़ित जवानों के परिजन तो वो भी सिपाही आरक्षक कहीं पर हैं लेकिन नक्सली भी आके डायरेक्ट सिपाही बन जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल नामजद है सर, इसमें तो आंकड़े हैं, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये मीडिया के दिए हुए आंकड़े हैं। और ये लोग, मैं जिन दो लोगों की बात कर रहा हूँ ये तो अभी तक इनके बताए अनुसार 72 है लेकिन ऐसे ऐसे कई घटनाएं होंगी जिनकी गिनती नहीं है, प्लस इन दो लोगों के अलावा भी हजारों ऐसे लोग हैं जो लोग आजकल यही नीति अपना रहे हैं कि सरेंडर करें और सिपाही बन जाएं। बिल्कुल सर वो तो जाएंगे ही, सिस्टम में बैठे हुए लोग उनको आगे ले जा रहे हैं, दूसरे विभागों में नौकरी दीजिए, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि दूसरे विभागों में ऐसे लोगों को नौकरी दीजिए। जी मेरा नाम उज्ज्वल दीवान है, मैं आज़ाद जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हूँ और पहले पुलिस विभाग में आरक्षक के पद पर जिला धमतरी में पदस्थ था।